रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इट्स ओवर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूं या दुखी हूं। 40s इज द न्यू 20s। जाके मिलो ना उस कॉफी शॉप वाले क्यूटी से। एक घाव भरने के लिए मैं दूसरा घाव नहीं चाहती। शोमी शोमी, क्या सरप्राइज प्लान किया है मिस्टर मेहरा? यू आर सच अ ढक्कन मिसेस मेहरा। अगर मैंने दिखा दिया तो सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहेगा ना। You know why I fell in love with my husband? Why? Because he's a very responsible man. वो अपनी किसी भी जिम्मेदारी से कतराता नहीं। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि I got drunk and उसकी वजह से यार उसकी वजह से मुझे अपनी रिलेशनशिप नहीं खराब करनी। उस रात क्या हुआ था? क्या कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? Even I have no clue. अच्छा सुन, नो नीड टू आस्क हर, ओके? नॉर्मल बिहेव करना, उसे जब बताना होगा वो बता देगी, ओके? अच्छा आ रही, चल 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 चल। दो महीने से निक्की कॉलेज नहीं है, तुम्हें पता तक नहीं, ख्याल रखना चाहिए। मुझे ख्याल रखना चाहिए? वो रोज सुबह मुझे बोलती है कि वो कॉलेज जा रही है। हाउ डू आई नो कि वो झूठ बोल रही है? तुम तो घर पे रहते हो। तो मैं माइक्रो मैनेज करूं बच्चों का आना जाना? निकी इज 18 ईयर ओल्ड, इट्स नॉट माय फॉल्ट। आई एम नॉट सेइंग इट्स योर फॉल्ट। तो ये ब्लेम गेम क्या है? अरे मेरा, हाउ आर यू? भाभी जी, हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग हियर? क्या कर रहा है? बस वो निकी का थोड़ा सा। हां ओके, आई विल सी यू लेटर। कैरी ऑन। चलो गाड़ी में बात करते हैं। लिसन रोहित, जो मैं तुम्हें कहने वाली हूँ शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये बच्चे हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोहित, आखिरी बार तुमने निकी से खुल के बात कब की थी? मैं उस घर में नहीं रहता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा वो कॉलेज जा रही है या नहीं? एग्जैक्टली रोहित, तुम उस घर में नहीं रहते। जब हम साथ में रहते थे तभी तुम्हें बच्चों के बारे में सब पता होता था। All I'm asking you is to make that extra effort. So I don't? Just stay in touch with them, ताकि तुम्हें पता चले कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। नहीं, वो तुम्हारी नाक के नीचे रहते हैं। तुम्हें नहीं पता तो मुझे कैसे पता चलेगा? और ये बार बार तुम्हारी मेरे डिवोर्स की बात मेरे मुँह पे फेंकना बंद करो। रोहित प्लीज, आई डिडंट इवन ब्रिंग अप द डिवोर्स। तुमने डिवोर्स इसीलिए लिया क्योंकि तुम खुश नहीं थे। Now you are happy. इतने सालों से मैंने सब कुछ मैनेज किया। Now we have to take equal responsibility of our girls. Hi baby, when am I seeing you? Nikki का क्या हुआ? Nikki रस टिकट हो गई। Oh, why? एक मिनट होल्ड करना। Hi. Hi, hello, it's on. Very weird for me right now. Anyway, I wanted to come home, but farm house जाना पड़ेगा, निकी से बात करनी पड़ेगी। Listen, Rohit, तुम जाओ, मैं निकी से बात करती हूँ। क्यों? ताकि बाद में मुझे सुनना पड़े कि मैं कितना irresponsible हूँ। I have to go to the farm house. पूछना तो पड़ेगा ना उससे कि क्यों कॉलेज नहीं गई, क्या ड्रग प्रॉब्लम है अब? No. Alcohol, bad company. No, Rohit. मुझे फोन दो। Hi, Ananya. How are you? I'm fine. How are you? मैं भी ठीक हूँ। अनन्या, you know ये जो निकी की जो सिचुएशन है वो out of hands हो गई है। And रोहित ठीक कह रहे हैं। He will have to speak to निकी। तुम चाहो तो तुम भी वहाँ आ जाओ। Oh, I am sorry. I know. 3 महीने के बाद तुम्हारा ये first day back at home है। But the girls are family to you. और उनके साथ जो हो रहा है ना उसमें रोहित को involve होना पड़ेगा। और ये सारी डिस्कशन में कितना वक्त लग जाए आई रियली कांट टेल। तो तुम आ जाओ ना। ओके, आई सी यू। मैं आ जाती हूँ, इफ आई कैन बी ऑफ सम हेल्प। सो ऑफ कोर्स, थैंक यू अनन्या, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दिस। सी यू देन। नो नो वरीज, सी यू। शी इज कमिंग। रोहित, निकी की प्रॉब्लम को हमको एक साथ टैकल करना है। एंड आई नो कि तुम्हारी दूसरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ऐसा ना होना कि यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में तुम अनन्या को निगलेक्ट करना शुरू कर दो। दैट वुड रियली मेक यू फील वेरी गिल्टी। और अनन्या को हमें इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। नेवर माइंड।
After all, she is a part of our girls' lives. You know what? Kya hua? Never mind. Seatbelt. आज मुझे पता चला कि निकी को ये the I am so secretive attitude कहाँ से मिला? I mean, are you sure, Anna? God, game पे game है ना? क्या game? I'm not playing any game, यार. It's very simple. पूनम effort कर रही है तो इस बार मैं भी पीछे नहीं हटूंगी. Bro, this is so fucked up. नहीं सही है. If you can't beat them, join them. Shut up. Bye. See you. Bye. अरे आज जीते रहो. कैसे हो आप? फ्लाइट कैसा रहा? बिल्कुल ठीक, बढ़िया. कैसी हो? टोरंटो में सब तुमको बहुत याद करते हैं. They're missing you like hell. आपने कुछ खाया है? चाय? हाँ हाँ, दादी ने अच्छी खातिर की. बिल्कुल ठीक हूँ. तुम लोग बैठो, मैं थोड़ा सा रेस्ट करके आती. जी बुआ. हाँ? What's going on, निकी? अच्छा हुआ रोहित तो आ गया. निकी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि कल से वो कॉलेज जाएगी. कल से कैसे कॉलेज जाएगी? रस्टिकेट कर दिया इसे. हाँ तो और बहुत से कॉलेज हैं आसपास, कहीं भी एडमिशन करवा देंगे. क्या माँ, ऑल कॉलेजेस से मतलब क्या मतलब होता है माँ? हाँ, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर निकी? दो महीने से तुम कॉलेज नहीं गई. आज तुम्हारे प्रिंसिपल ने मुझे, यू नो हाउ ह्यूमिलिएटिंग इट वाज फॉर मी. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. द हेल यू डोंट निकी. कॉलेज से तुझे रस्टिकेट कर दिया एंड यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. डोंट यू हैव एनी शेम? प्लीज. ओ डैड. निकी. नो नो नो. कम बैक हियर. निकी. रोहित. रोहित रुक जा जरा, आराम से बात कर. अब तो आ गया है ना, तो कुछ दिन रुक, हम मिलकर. क्या हो गया है माँ तुझे? तू कैसी बातें कर रही है आज? तीन महीने बाद आना घर वापस आई है. मेरी बीवी घर वापस आई और ये बेटी है तेरी. तू अपनी प्रायोरिटी सॉर्ट कर ले. और हुआ क्या है, रस्टिकेटी हुई है ना, कहीं भाग नहीं गई है वो? अरे न्यूज़पेपर में तो क्या क्या आता है रोज कल, लड़के लड़कियों का अफेयर चफेयर. और टीवी में तो क्या. थैंक गॉड कि हमारी निकी वैसी नहीं है. माँ प्लीज, माँ आई विल हैंडल. माँ रोहित हैंडल कर लेंगे. हमारा जानना जरूरी है कि वो कॉलेज क्यों नहीं जा रही है. अनन्या आई होगी, मैंने उसे बुलाया है. हाय. नमस्ते माँ. बाहर चले. चलो. निकी, आई नीड टू नो व्हाट इज दिस. कुछ नहीं डैड, कुछ भी नहीं हो रहा है. आई मीन मॉम को लगता है कि मैं ड्रग्स ले रही हूँ, दादी को लगता है कि मैं मेंटली हो गई हूँ क्योंकि आप लोगों का डिवोर्स हो गया, शीना मासी को लगा कि मेरा कोई अफेयर चल रहा है. यू थिंक आई एम अ क्रिमिनल? लाइक आई मीन ऐसा कुछ नहीं है निकी. नो डैड प्लीज, ऑल आई नो इज नन ऑफ यू ऑल विल अंडरस्टैंड मी. नन ऑफ यू ऑल. प्लीज. Please, Dad, please. Nikki, Nikki. Shh. You're my baby, Hina. Okay? I just want to help you, Nikki. Bas, thank you. ये देखा तुमने? Look how much weight she's lost, ना? हाँ, एक्टर है ना तो she has to maintain. I follow her on Instagram. काफी पिलाटस करती है, so. देखो निकी, बताना तो पड़ेगा ही ना. I need to know तुम कॉलेज बंक करके क्या करती हो? Please मुझे नहीं बताना है. I don't want to talk to you. I don't want to talk to anybody. Please go. Please. Please. पिलाटेस इजी होता है? आई डोंट नो, आई जस्ट डू योगा. सो घर ऑफिस टाइम नहीं मिलता ज्यादा. दैट्स गुड. या मैं भी सोच रही हूँ अभी मेंटेन करना शुरू करूँ. एक एज के बाद जाके बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ओह नो, यू लुक गुड. थैंक्स. या
Do you want to have a drink? मैं रोहित का पैटर्न जानती हूँ, एक घंटा तो सिर्फ डांटेगा. एंड विदाउट अ ड्रिंक दिस इज बहुत मुश्किल होगा. वेल विस्की? नो, आई ड्रिंक वाइन. रेड वाइन? या. ओके, कम, लेट्स गो. या. हाउ डू यू लाइक द वाइन? आई लव इट. लुक एट मी, माय ग्लास इज एम्प्टी. Let me refill it. अरे नहीं, प्लीज, दो तो पी चुकी हूँ. No, Maria. That's it. Thank you. वैसे you were right. डेढ़ घंटा हो चुका है. मैं रोहित को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ. अगर उसकी अपनी खुद की कंपनी नहीं होती तो किसी कॉलेज में लेक्चरर जरूर होता. Okay. I don't know what's up with Nikki. I'm getting too concerned. You know, it feels like I don't know her anymore. She's a good kid, yeah. I mean, whatever time I've spent with Nikki, achhi ladki hai. Poonam, ye Nikki ke saath jo bhi ho raha hai na, don't blame yourself for it. Please. God knows kya ho raha hai. I just hope Rohit can find out ki kya ho raha hai. Yeah. You know, Ananya, I'm surprised. मैंने तो तुम्हें बस impulsively invite कर लिया और तुम आ गए. तो जाऊँ? अरे, I don't mean to say that. I'm kidding, I know. वैसे पता नहीं मैं भी कैसे आ गई. Seriously, मैंने भी impulsively तुम्हारा invite accept कर लिया. But thank you. I'm glad I'm here. Cheers to that. Yeah. But this has to be our last one. Why? Yeah, yeah. बहुत हो गई. एक्चुअली हम डाइटिंग की बातें कर रहे थे एंड अब ग्लास पे ग्लास मारे जा रहे हैं. चीयर्स. चीयर्स. पूनम, यू नो, नाउ दैट वी आर थ्री ड्रिंक्स डाउन, मुझे कैन आई से समथिंग? ऑफ कोर्स. तुम्हें पता है ना मैं क्यों चली गई थी? या आई नो दैट यू एंड रोहित टॉक. इट्स जस्ट दैट I couldn't deal with all this, you know. Lekin in 3 mahino mein maine ek baat realize ki hai, you know, his daughters, your family, this whole situation, now I am a part of it and I won't run away. Agar mujhe proactive banna hai to main banungi. But the only problem is tumhari betiyon se deal karna bahut mushkil hai. But I shall try. I will not give up. Nikki is good. She's easy, but Bani is tough. Tell me, she's taking all this very hard, you know. I'm being unreasonable? What do you mean I'm being unreasonable? I'm trying to help you, and you're saying I'm being unreasonable? अरे, why is he shouting at her? Poor kid, यार. और अगर मैंने कुछ कहने की कोशिश की ना, तो मुझ पर चिल्लाएगा, and he'll start justifying everything. Tell me about it. Okay, I'm trying to help you. ये समझा रहा कहते हैं इसे? This guy ना. I know Rohit kis pe gaya hai. I know. Ma is not like that, yeah. She's really sweet. Tum unhe na thoda sa waqt do. If you say so. Ek aur drink. Really? Ha. Saas ke naam pe. Not a bad idea. Aadha aadha. Aadha aadha. Okay. That's it. That's yeah, aadha. Yeah, 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 yeah. It's a little more than aadha though. It's okay, yeah. You'll handle it. Yeah. Chale? Ha, yeah. ये तो डेढ़ घंटा और खड़ा रहना पड़ेगा यहाँ पे. सॉरी. क्या हुआ? Nothing. मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछ रही हैं कि what's going on. अब क्या बताऊं उनको? कह दो उन्हें कि तुम अपनी हस्बैंड की एक्स वाइफ के साथ उनके बच्चे डिस्कस कर रही हो. राइट. आई थिंक बहुत जल्द हमारे पे एक सीरियल बनेगा. मैं कुछ कहना चाहती हूँ. Sure. I really admire you. तुमने स्टैंड लिया, तुम चली गई और अब आई हो तो अपने टर्म्स पर. मैंने रोहित से भी कहा that I really admire you. Thank you.
मुझे भी एक बात कहनी थी. I'm sorry. I'm really sorry. I caused you a lot of pain. Hananya, it was never your fault. Problem हमारी शादी में ही थी. You were just the catalyst. Poonam, if I can be of any help, any time, Nikki के साथ या anything that I can do, please don't hesitate to ask. That's really sweet, Hananya. I'm just trying to figure out ये निकी का प्रॉब्लम क्या है. Don't worry, I'm sure जो भी होगा ना सब ठीक हो जाएगा. Hananya, I'm really sorry about your pregnancy. I don't know what's going on. She's not listening. She's not talking. उसे लगता है कि तुम उसे, you know, she's doing drugs. मैं उसे criminal समझ रहा हूँ. You know, maybe she's at that age that. तो ये बात करनी पड़ेगी. Nikki, listen. अगर तुम अपने dad के घर थोड़े दिनों के लिए आना चाहती हो, तो please do drop by. Look after yourself, huh? रोहित ने पूनम को क्यों बताया? मेरी प्रेगनेंसी के बारे में रोहित ने पूनम को क्यों बताया?